जिला बिलासपुर में जहां पर बरसात के कारण सड़कें खस्ता हाल हैं, वहीं तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे 205 स्वारघाट पिंजौर पर धसी सड़क और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है, जबकि नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर कैंची मोड़ के पास बरसात से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बरसात में प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा अंतर्गत जिला बिलासपुर के लगभग 19 स्कूलों को क्षति पहुंची है, जिनमें 38 लाख का नुकसान आंका गया है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 8 स्कूलों को लगभग 12 लाख का नुकसान, जबकि सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत 11 स्कूलों को लगभग 26 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। जबकि बरसात के खतरे के चलते स्वारघाट उपमंडल के एक स्कूल को बंद भी करना पड़ा है। स्वारघाट कस्बे में 5 मकानों को भारी क्षति पहुंची है और भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 205 स्वारघाट पिंजौर नेशनल हाईवे पर गुजरहट्टी स्थान में सड़क का काफी हिस्सा धंसने से उक्त सड़क मार्ग पर यातायात कभी भी ठप हो सकता है। उक्त सड़क अबाधित हो जाए तो स्वारघाट से नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, परमाणु व पिंजौर आने जाने वाले लोगों व वाहनों को 50 किलोमीटर की दूरी तय कर बाया भरतगढ़ व रोपड़ पंजाब से होकर पहुंचना पड़ेगा। जबकि बरसात के कारण जिला बिलासपुर के सेकेंडरी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 205 सड़क धंसने के दृश्य प्रदेश सरकार के अधिकारी सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को देना सुनिश्चित करें। ये स्वारघाट पिंजौर नेशनल हाईवे है और इसकी लैंडस्लाइड की बदौलत खस्ता हालत हो गई है। सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, एक साइड ही चल रही है। अगर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये सड़क बिल्कुल पूरी तरह धंस जाएंगी और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों को नालागढ़, पिंजौर, चंडीगढ़ जाने के लिए वाया पर्थगढ़, कीर्तपुर होकर के आना पड़ेगा, जिससे समय की बर्बादी होगी और आर्थिक नुकसान भी जनता को होगा। स्वारघाट में जो है कमरे में बहुत दरारें आई हुई हैं और जो किचन साइड में साइड है जो वो नीचे से बिल्कुल धंस चुका है और दीवार ने वो छोड़ दी है अपनी जगह और तीसरे के कमरे भी ऐसे हैं। बच्चे स्ट्रेंथ छान हुए हैं और उन बच्चों को बिठाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैंने कई बार विभाग को भी बताया है कि इस तरह बात है तो हमें इसका बचाव किया जाए। प्रशासन को भी मैंने बताया हुआ है तो इसकी कार्रवाई प्रशासन के अनुसार तो हमें इसकी जल्द से जल्दी इसका ये करें।